हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कल के दिन की बात करें, कल है सैटरडे एंड स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिल जाएगा। तो कल सुबह 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर भी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, उसको मिस मत कर लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले केवल एक कंपनी के बारे में। यस, इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली ये मेरा कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन है, मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड वीडियो है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ। देन अगर हम लोग बात करें ऑब्वियसली इस कंपनी के बेनिफिट्स की बात करेंगे एंड इस कंपनी में रिस्क क्या है वो भी हम लोग जरूर जानेंगे, क्योंकि अगर देखा गया इस कंपनी में रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। टू बी ऑनेस्ट, मतलब देखा गया तो कंपनी कैसी है दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग क्या रहती है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, जो वेल एक्सपीरियंस है उनको समझ में आ रहा है, जिनको नहीं पता है मैं बताना चाहूँगा, स्मॉल कैप की कंपनी आराम से 30%, 35%, 40% ऐसे ही टूट जाती है। मतलब मैं बताना चाहूँगा आपको कि इतना वो रिस्की स्टॉक होता है। रिटर्न्स भी मिलेंगे, कमाल के मिलेंगे आपको, 100-200% ईजिली बन जाते हैं स्मॉल कैप में, बट दोनों साइड से प्रॉफिट भी जबर, रिस्क ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली रिटर्न्स भी आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे मिल सकता है। देन अगर हम लोग बात करें एज यूजुअल कंपनी का बिजनेस क्या है, उसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने वाले, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एंड इसके पहले भी मैं इस कंपनी के बारे में आपको बता चुका हूँ, अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ब्लाइंडली चीज़ों को कॉपी मत कर लेना। मैं हमेशा ये चीज़ें जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको ये चीज़ें सिखाते रहता हूँ। अगर आपको मार्केट में लंबी पारी खेलनी है, खुद से सीखना है, तो आपको खुद से डिसीजन लेना आना चाहिए। खुद से डिसीजन लोगे तो गलत जाएंगे तो वो गलती हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट का सक्सेस का पाथ है वो आगे बढ़ता रहेगा। अगर आप किसी के वीडियोस देख रहे हो, मेरे वीडियोस देख रहे हो, ये स्टॉक सर आपने इसके बारे में वीडियो बनाया था, मैंने खरीद लिया, पैसा बन रहा है, बुल मार्केट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके पास रीज़न होना चाहिए कि आपको ये कंपनी क्यों अच्छी लगी, आपने क्यों खरीदा। बाकी तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा, मैं तो सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करते रहूँगा। सो अगेन चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताते रहूँगा, क्योंकि ये चीज़ें भी उतने ही इंपॉर्टेंट वर्क करती है। तो चलिए कंपनी के एक एक पैरामीटर्स देखेंगे और पैरामीटर्स के हिसाब से ऑब्वियसली हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे, देन कंपनी की PNL देखेंगे एंड उस सबसे कीमती चीज़ क्या, कंपनी की वेबसाइट। दोस्तों कंपनी की वेबसाइट में एक जो फॉर्मूला, ये खुद का फॉर्मूला है मेरा, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया, जो मैं आपको बताता हूँ ना SMKC का जो PT का फॉर्मूला पोजिशनल ट्रेड, आपको किधर नहीं मिलेगा, जितना मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है वो मैंने आपके सामने रखा है। सेकंड अगर मैं बात करूँ, ये वाला सेकंड वाला भी फॉर्मूला, कौन सा वाला, कि अगर आपको रिस्की स्टॉक में जाना है, रिस्की स्मॉल कैप में जाना है, मिड कैप में जाना है, जो कि आपको अच्छा लगता है, तो ट्राई कीजिए उस कंपनी के पास बहुत सॉलिड क्लाइंट हो। अगर उसके क्लाइंट बहुत अच्छे रहेंगे तो हम कह सकते हैं वो कंपनी अच्छा चांस, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करके आपको अच्छा रिटर्न देने का मौका यहाँ पे दे सकती है। सो ये चीज़ें कुछ मैंने एक्सपीरियंस से गेन यहाँ पे किया। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी मैं रिस्की कंपनी की बात करता हूँ आपके सामने कुछ ना कुछ उस कंपनी के क्लाइंट्स रख देता हूँ, क्योंकि क्लाइंट्स अगर बहुत तगड़े रहेंगे तो हम कह सकते, देखिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली, हमारी स्टडी ज़रूर कर रहे हैं, बट जो क्लाइंट मतलब उनका जो बिजनेस है वो तो उनका ड्यू डिलीजेंस तो मतलब भयंकर करेंगे, बहुत ही ज़्यादा चेक करेंगे, क्योंकि कल अगर इशू हो गया तो उनका बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। तो हम लोग कंपनी के क्लाइंट्स भी देखेंगे एंड क्लाइंट्स देख के ही दोस्तों मतलब ये कंपनी आपको पसंद आ जाएगी, इतना मैं कह सकता हूँ। ये मैं कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा कि जाके ब्लाइंडली निवेश कर दो करके, बट यस चीज़ों को सीरियसली भी आप चाहो तो थोड़ा बहुत यहाँ पे इस कंपनी के प्रति ले सकते हो। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कंपनी के रिजर्व्स देख लेना, 176, 180, 250 अप्रॉक्सीमेटली रिजर्व्स, कितने छोटे रिजर्व्स है देखिए दोस्तों। ऑब्वियसली स्मॉल कैप है, जैसे मैंने इनिशियल शुरुआत पे ही आप लोगों को जैसे बताया था स्टेज पे कि छोटी कंपनी है। कर्जे की बात करें, क्या कर्जा है, पहले 14 था, फिर 25 हुआ, 25 से वापस 16 हो गया, तो चले 16 करोड़ साले, मतलब हम बोल सकते हैं 16.5 करोड़ के आसपास यहाँ पे हम लोगों को कर्जा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ, कर्जा है क्या खराब बात है, नहीं, कर्जा अगर प्रॉपरली इस्तेमाल हो रहा है तो चल जाएगा। नेक्स्ट 82 करोड़ के आसपास का कर्जा अप्रॉक्सीमेटली, चलो शॉर्ट टर्म की बात हो गई। कैश की बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक ओवरव्यू लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आप देख सकते हो 88,97 एंड राइट नाउ 1.2 CR। सो ठीक ठाक बैलेंस शीट है, जैसे इनिशियल स्टेज पे बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी है, डोंट एक्सपेक्ट कि भर भर के बैलेंस शीट एकदम स्ट्रांग रहेगी, जितना कुछ भी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है ठीक ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। अभी आ जाते हैं कंपनी के यहाँ पे रिसेंटली नंबर की ओर। इसके पहले भी मैं वीडियो बना चुका था इस कंपनी से रिलेटेड, तब ये कंपनी थोड़ा सा सस्ते दाम पे थी, अभी भी देखा गया तो कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। कंपनी का बिजनेस अगर अच्छा है तो डेफिनेटली कंपनी और भी अच्छा परफॉर्मेंस जरूर करेगी। अभी क्वार्टरली अगर मैं बात करूँ, पिछले कितने क्वार्टर चेक कर लेते, 1, 2, 3, 4 अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे,
तो रिसेंटली जो क्वार्टर था वो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेना, इसके पहले का कितना था, लगभग 9 करोड़ के आसपास था, देन 26 हुआ, देन 28, देन 33, बहुत अच्छा खासा क्वार्टरली जंप था। देन हम लोगों को सेकेंड वेव साफ झलकती देखने को मिल रही है, पिछले क्वार्टर में 25 हो गया। सो ये एक पॉइंट है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आप चाहो तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो, शुरुआत से पहले 8 करोड़, फिर 9 करोड़, फिर माइनस में गया, फिर 11 करोड़। ये क्वार्टरली में प्रॉफिट की बात करो, ये अप्स एंड डाउन्स में यहाँ पे चलता रहता है। अगर आप लोग पीएनएल देखना चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये सालों साल का पीएनएल आपको मिलेगा। 2010 से परफॉर्मेंस है इस कंपनी का, मतलब उससे पहले भी है, बट वहाँ से अगर आप चेक करोगे तो आप देख सकते हैं 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, फिर 6 करोड़ हो गया, फिर वापस 9 करोड़, देन 17, 24, 27, 32, 24, 38, 48, राइट नाउ नियर बाय 60। तो कंपनी स्मॉल कैप है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि उस हिसाब से परफॉर्मेंस हमें ठीक ठाक ही नज़र यहाँ पे कंपनी का आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग में कितना है, 33% प्रमोटर के पास है, फॉरेन इन्वेस्टर लगभग 9% है, DIS की बात करें लगभग 15% है, पब्लिक लगभग 42% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ओके नज़र यहाँ पे सामने आ रहा है। अभी आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर, एंड वो है दोस्तों कंपनी की वेबसाइट। यस, अभी हम लोग आ चुके हैं दोस्तों कंपनी के वेबसाइट की ओर, जहाँ पे कंपनी करती क्या है वहाँ से लेके कंपनी के क्लाइंट्स। जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 4 बार 5वीं बार रिपीट कर रहा हूँ, एक स्मॉल कैप कंपनी है। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे बेस्ट पैकिंग कंपनी, यस पैकेजिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ये बेस्ट पैकेजिंग कंपनी है। अगर हम लोग बात करें लिस्टिंग में भी टॉप नॉच कंपनी है। कंपनी का एक्सपीरियंस देख लेना, 35 ईयर्स ऑफ एन एक्सपीरियंस। देन उन्होंने कुछ उनके ISO सर्टिफिकेट की बात यहाँ पे की है, टोटली 9 है, एंड दोनों में ये पब्लिकली लिस्टेड है, NSE BSE। देन 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, 200+ सेटिस्फाइड क्लाइंट्स, मतलब क्लाइंट्स भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। आप लोग पूरा बाद में इनसे रिलेटेड डिटेल में पढ़ सकते हो, प्रोडक्ट्स मीन्स बिजनेस की बात शुरू हो चुकी है। अभी बिजनेस में क्या है दोस्तों, ये प्लास्टिक से जुड़ी हुई कंपनी, प्लास्टिक मतलब आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे सैनिटाइज़र के, और जो यहाँ पे जो पंप्स रहते हैं, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं डिस्पेंसिंग पंप्स, तो हाई क्वालिटी डिस्पेंसिंग पंप बनाने का काम ये कंपनी यहाँ पे करती है, जो कि सैनिटाइज में यूज़ होता है। उसी के साथ साथ अलग अलग हम हैंड वॉश में अगर बात करें तो उसमें भी ये कंपनी यहाँ पे काम करती है। बस इतना ही बिजनेस, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बस एक छोटा सा आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे बता दिया। देन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों अलग अलग यहाँ पे कंटेनर्स कंपनी बनाती है, जो डिब्बे आप लोगों ने देखे होंगे यहाँ पे, अलग अलग राउंड पैक के डिब्बे देख सकते हो, यहाँ पे स्क्वायर पैक के देख सकते हो, स्वीट बॉक्स के जो डिब्बे रहते हैं, आइसक्रीम पैक जो आप लोग मंगाते हो, इसका जो आइसक्रीम वाली कंपनी क्या है, वो आइसक्रीम बनाती है, डिब्बा बनाने का काम उसका नहीं, वो इस कंपनी से वो डिब्बा बनाती है। और ये मैक्सिमम आइसक्रीम कंपनियां, पेंट कंपनियां, उसी के साथ साथ लुब्रिकेंट्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, राइट, पेट्रोल डीजल वाली जो कंपनियाँ रहती है ना, उनमें भी जो पेट्रोल डीजल जो स्टोर रहता है, हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, तो उसके लिए जो कंटेनर चाहिए ना प्लास्टिक का, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट इसी कंपनी को यहाँ पे मिलता है। अगर आप चाहो तो ये देखिए यहाँ पे व्यू ऑल प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे कर सकते हो, तो आपको बहुत सारी लिस्ट मिलेगी। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, तो ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को सारा यहाँ पे मिल जाएगा, कैटेगरी आपको कौन सा चाहिए, फिल्टर्स आप लगा सकते हो, आइसक्रीम के लिए चाहिए या फिर एडेबल ऑयल के लिए चाहिए, यहाँ पे बिरयानी के लिए चाहिए, ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, जैम के लिए चाहिए, श्रीखंड के लिए चाहिए, सब कुछ मिलेगा। आपको साइज़ कितना चाहिए, राइट, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, शेप क्या चाहिए, राउंड चाहिए, ओवल चाहिए, राइट। उसी के साथ साथ ये देखिए सारे इनके कंटेनर्स देख लेना, ये पूरा पैकिंग वाला जो इनका बिजनेस है, ये देखिए बहुत लंबा है, मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ अभी, बट ये सारे के सारे पैकेजिंग वाला काम है ये कंपनी यहाँ पे करती है। सो ये तो हो गया, आप लोगों को बिजनेस एक ओवरव्यू यहाँ पे मिल गया, अपने डिटेल स्टडी ज़रूर यहाँ पे करनी चाहिए। अभी आ जाते सबसे इंपॉर्टेंट कीमती चीज़ की ओर, कौन सी चीज़, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, क्लाइंट। क्लाइंट देखोगे दोस्तों तब यहाँ पे हमें थोड़ा सा अंदाजा आता है कि रिस्की है कंपनी, बट क्लाइंट्स इतने सॉलिड है इस कंपनी के, तो अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है। तो चलिए नीचे आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर, एंड हम लोग आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पे अवर क्लाइंट्स। यस, क्लाइंट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैं व्यू ऑल कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखते रहे साइड बाय साइड क्लाइंट्स तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं व्यू ऑल क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम ले रहा है यहाँ पे लोड होने के लिए, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे क्लाइंट्स ओपन हो चुके हैं दोस्तों, क्लाइंट में देख लेना ये कौन कौन से क्लाइंट को हैंडल करते हैं। तो जो फूड रहता है, FMCG रहता है, फार्मा कंपनीज है, इंडस्ट्रीज़ है, उसमें ये कंपनी जो डिब्बे रहती है वो ये कंपनी बनाती है। देन पेंट की अगर हम लोग बात करें, पेंट इंडस्ट्री, राइट, ये जो बड़े कंपनी रहती है, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, ये पेंट बनाती है, वो डिब्बे नहीं बनाती है। तो ये डिब्बे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को मिलता है पेंट इंडस्ट्री में। देन जैसे मैंने आपको बताया था लुब्रिकेंट की बात करें, ग्रीस की बात करें, तो इसमें भी यही कंपनी डिब्बे यहाँ पे बनाती है। तो अभी थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। चलिए फूड की बात करें, FMCG फार्मा की बात करें, तो कौन कौन से इनके क्लाइंट्स हैं देख लेना खुद, ITC, PNG, कैडबरी, हिमालया, अमूल, नेस्ले,
क्वालिटी वॉल्स की अगर हम लोग बात करें, वही यूनिलीवर से ही रिलेटेड है, डाबर है, वाडीलाल आइसक्रीम, पेप्सी की बात करें, हटसन की बात करें, दोस्तों अगर मैं ऐसा ही पढ़ते रहा तो ये शायद से वीडियो आधे घंटे का बन जाएगा। आप लोग ज़रूर इनके वेबसाइट के ऊपर जाके स्टडी कर लेना, इनके क्लाइंट्स आपको बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स मिलेंगे, CCD से लेकर यहाँ पे पार्ले तक, इमामी से लेकर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अदानी विलमार तक, ड्यूक्स तक अगर हम लोग बात करें, सारे इनके क्लाइंट्स हैं दोस्तों। ये सारी जो कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट्स बनाती है, बट उनको स्टोर करने के लिए जो कंटेनर्स चाहिए वो इस कंपनी से यहाँ पे ऑर्डर करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने सारे इनके क्लाइंट्स हैं, बड़े बड़े कंपनियाँ, ब्रिटानिया भी इन्हीं के थ्रू यहाँ पे ये सारी चीज़ें अपना बिजनेस यहाँ पे करवाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कौन सा था, पेंट इंडस्ट्री, तो पेंट इंडस्ट्री में नंबर वन कौन है मार्केट के हिसाब से लिस्टिंग, एशियन पेंट इन्हीं का क्लाइंट है। जो जैसे मैंने कहा ना, पेंट एशियन पेंट बनाती है, उसके अंदर जो मतलब जो डिब्बा रहता है वो बनाने का काम ये कंपनी करती है। देन बर्जर पेंट इन्हीं का क्लाइंट है, देन नैरोलैक इन्हीं का क्लाइंट है, एक्जोनोबेल की बात करें इन्हीं का क्लाइंट है, एंड और ऐसे पेंट की अलग अलग कंपनी जो कि बाजार में लिस्टेड तो नहीं है बट यहाँ से ही उनका क्या होता है बिजनेस हम लोग को चलते हुए देखने को मिलता है। देन लुब्रिकेंट्स की बात करें तो देख लेना शेल जैसी बड़ी कंपनी दोस्तों। देन गल्फ की बात करें, कैस्ट्रॉल की बात करें, ब्रिटिश पेट्रोलियम की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, BPCL की बात करें यहाँ पे, तो सारे हम लोग देख सकते हैं इन्हीं के अंडर इनके क्लाइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो बहुत ही सॉलिड क्लाइंट्स बेस हम लोगों को देखने को मिल रहा है इस कंपनी का, जो कि एक छोटी कंपनी को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर का बहुत ही ज़्यादा फायदा करवा सकती है। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं इस कंपनी की ओर, जिस कंपनी का नाम है मोल्ड टेक पैकिंग लिमिटेड। यस, इस कंपनी से रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको पुराना वीडियो देखना है, ओल्ड वीडियो, तो मैं ट्राई करता हूँ, वो मिल गया तो लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में कहीं तो आप लोगों को मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप स्टडी कर लेना, बहुत लंबा वीडियो है, उसमें भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था कि ये कंपनी अच्छा बिजनेस कर सकती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाओगे, इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करोगे तो आप देख सकते हैं इस कंपनी 2009 से बिजनेस कर रही है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्स एंड डाउन्स रहेंगे दोस्तों। मैं बार बार आप लोगों को ये वार्न कर चुका हूँ, अगर आप 5 साल का चार्ट देखोगे इसका, ये देखिए, ये तो कोविड वाली गिरावट थी, चलो इसको तो इग्नोर ही कर ले, इसके पहले भी देख लेना ये कितना गिरा था पता है, 45% गिरा था, स्मॉल कैप है ना, तो प्रॉफिट बुकिंग तगड़ी रहेगी। सो जिनको रिस्क लेना पसंद है उनके लिए ये बेसिकली कंपनी है, सिर्फ रिटर्न के चक्कर में जाओगे तो रिस्क को इग्नोर मत करना, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बार वार्न यहाँ पे कर चुका हूँ। मार्केट कैप देखोगे तो मात्र 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही छोटी कंपनी है, ब्लाइंडली निवेश नहीं करना, अरे रिलायंस है, सब कुछ है, एशियन पेंट है, तो चलो पैसा डाल देते, ऐसा नहीं, यहाँ पे रिस्क देखना है आप लोगों ने, रिस्क बहुत है इस कंपनी में। अगर आपको, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको कंपनी पसंद आती है एंड स्टिल आप डरते हो कि रिस्क ज़्यादा है, तो छोटा सा ही क्वांटिटी लगा दीजिए, छोटा सा जितना हो सके, देन आप लोग कंपनी को फॉलो करते रहिए कि कंपनी के नंबर कैसे, एंड अभी भी कह रहा हूँ दोस्तों डायरेक्टली बाय करना नहीं है, बहुत सारे लोग ब्लाइंडली निवेश कर लेते हैं, मार्केट खुल गया डाल दो पैसा, मार्केट खुल गया डाल दो पैसा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अभी आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, जो कॉमन डायलॉग रहता है, अभी क्वार्टर 2 के नंबर चल रहे, Q2 के नंबर देख लेना सेप्टेम्बर क्वार्टर के, उसके बाद डिसीजन लेना, अगर अच्छे नंबर है देन वाई नॉट आप लोग एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पे लगा सकते हो, बट ब्लाइंडली नहीं कि मंडे को बाजार खुल गया चलो पैसा लगा देते हैं, अच्छा लग रहा है बिजनेस, ये ऐसा कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। तो इतना ही कह सकता दोस्तों, इस कंपनी के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, मोल्ड टेक पैकिंग लिमिटेड, अगेन कह रहा हूँ ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट येस इतने सारे कंपनीज है, 5,500 से भी ज़्यादा लिस्टेड कंपनी है, उसमें से कुछ कंपनियाँ मैं आप लोगों के सामने लाते रहता हूँ, जो कि आप लोगों को स्टडी करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे इजी पड़ जाएगा। सो ज़रूर इस कंपनी के बारे में स्टडी करना, और भी डिटेल में जाना वेबसाइट को, और भी अच्छी तरीके से यहाँ पे जितना हो सके डिटेल में स्टडी करना, मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करना, तो आप लोगों को और भी उस कंपनी के बारे में पता चल जाएगा। अगेन कह रहा हूँ 5 साल में ये जो मिले हैं 250% की रिटर्न, ये ऐसे ही नहीं बने, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, 2 से 3 बार कंपनी ने 40% से ज़्यादा की गिरावटें दिखाई थी। सो रिस्की स्टॉक है, ख़राब नहीं है, बिजनेस अच्छा है, तो ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा, आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।